ट्रेंडिंग प्लेसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको के जीवन से रूबरू कराएंगे। बाजाओ लौट समुद्री जिप्सी। उनकी खाना बदोश समुद्री यात्रा की जीवन शैली के कारण बाजाओ लुट को सी जिप्सी कहा जाता है। माबुल, बोहिदुलन, सिगुआन, मेगा, मंताबुआन, सेलाकान और ओमाडल ऐसे स्थान हैं जहां आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। उनके अद्भुत रीति रिवाजों और परंपराओं का लोकप्रिय वार्षिक उत्सव रेगाटा लेपा है। पृथ्वी पर कुछ समूह बोर्नियो के प्रसिद्ध बाजाओ लुट की तुलना में पानी के साथ एक मजबूत बंधन का दावा कर सकते हैं, जो एक खानाबदोश समुद्री जीवन शैली अपना पूरा जीवन जीते हैं, शायद ही कभी जमीन पर पैर रखते हैं। चूंकि वे कई पीढ़ियों से मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच प्रवाल त्रिभुज के जलमार्गों पर मंडरा रहे हैं, समुद्री जिप्सी वास्तव में समुद्र के स्वामी हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी लकड़ी के हाउस बोट या स्टिल्ट घरों में रहता है, जो कि सेम्पुना द्वीपों के करीब प्रवाल भित्तियों पर बनाए गए थे। अधिक स्थिरता की खोज में भूमि पर स्थायी रूप से बसने के पक्ष में कई लोगों ने अपने खानाबदोश जीवन शैली को त्याग दिया है। इस लोगों को दिया जाने वाला नाम बाजाओ दरात है। इसके बावजूद कई अभी भी जिप्सी की तरह रहते हैं और यह दावा किया जाता है कि अकेले सेम्पुना क्षेत्र में 3000 से अधिक बाजाओ लुट हैं। 2010 के यूनिवर्सिटी मलाया सभा अनुमोदित अध्ययन के अनुसार समुद्री जिप्सी शायद ही कभी सूखी भूमि पर पैर रखते हैं। जब वे ठोस जमीन पर कभी कभी एक या दो रात बिताते हैं तो वे अक्सर लैंडस्केप महसूस करने का वर्णन करते हैं। वे केवल व्यापार के लिए तट पर आते थे, समुद्र को तरजीह देते थे। इसमें उनकी पकड़ बेचना, पीने के लिए पानी इकट्ठा करना, नावों के लिए लकड़ी इकट्ठा करना और यहाँ तक मृतक को दफनाना भी शामिल हो सकता है। शाम होते होते ज्यादातर लोग अपनी नावों पर वापस आ गए थे। उत्कृष्ट मुक्त गोताखोर समुद्री जिप्सी हैं। कई लोगों ने 20 मीटर से अधिक की गहराई तक मुफ्त डाइविंग करते हुए कई मिनट तक अपनी सांस रोककर रखने का कौशल सिद्ध किया है। जब वे मछली, झींगा मछली, समुद्री खीरे, त्रिपान और अन्य जलीय जानवरों का पीछा करते हैं तो वे यह सब करते हैं। वे अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाते हुए पानी के संसाधनों से पूरी तरह से दूर रहते हैं। गोताखोरी और मछली पकड़ने में महारत हासिल करने के अलावा वे लेपा या ढेर की झोपड़ियों और नावों के निर्माण में भी माहिर हैं। उत्कृष्ट सजावट के साथ टेक्निकल लेपा नावें प्रसिद्ध रेगाटा लेपा उत्सव का एक प्रमुख केंद्र हैं। 1980 के दशक तक द्वीप बड़े पैमाने पर अविकसित थे, जब माबुल द्वीप और डार्वेल बे के आसपास के क्षेत्र, जिसमें अब प्रसिद्ध कुलाओ सिपादान भी शामिल है, को पर्यावरण पर्यटन के लिए एक हॉटस्पॉट में बदल दिया गया था। उस समय के एकमात्र निवासी बाजाओ और सुलुक जातीय समूहों के कुछ परिवार थे।
आज यह क्षेत्र एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित हो गया है जो दुनिया भर से पर्यटकों और गोताखोरों को आकर्षित करता है। हालांकि समुद्री जिप्सियों की स्थिति मुख्य रूप से अपरिवर्तित बनी हुई है। वे हमेशा स्टेटलेस व्यक्ति रहे हैं और बने हुए हैं। चूंकि वे सुलु और सेलेब सागर के पानी में रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तकनीकी रूप से किसी भी देश से संबंधित क्षेत्र के बजाय बहुसंख्यकों को मलेशिया, फिलीपींस या इंडोनेशिया द्वारा नागरिकता का दर्जा नहीं दिया गया है। छात्रों के पास जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता और उनके माता पिता दोनों के पास राष्ट्रीय पहचान पत्र होने के कारण उनके अधिकांश बच्चों की औपचारिक शिक्षा प्रणाली तक पहुंच नहीं है। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।